क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भागलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया लोकार्पण। मोतिहारी में उप स्वास्थ्य केंद्र का किया गया उद्घाटन, स्वास्थ्य अधिकारी रहे मौजूद। नालंदा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 3 मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ के बैनर तले हुआ प्रदर्शन। सुपौल में सड़क किनारे बन रही नाली, नाला निर्माण कार्य से ग्रामीण संतुष्ट। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। भागलपुर के ऐतिहासिक कुप्पा घाट में भव्य लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में सौंदर्यीकृत सतगुरु निवास का लोकार्पण किया गया। संघ संचालक मोहन भागवत राजधानी एक्सप्रेस से नवगछिया स्टेशन पहुंचे, इस तमाम लोग मौजूद रहे। मोतिहारी में उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान चिकित्सा पदाधिकारी सदर प्रखंड सरवन कुमार पासवान और विनय कुमार सिंह ने फीता काटा, वहीं लोगों को फाइलेरिया दवाई खिलाया गया। चिकित्सा पदाधिकारी सरवन कुमार पासवान ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र से लोगों को काफी फायदा होगा की गई है, और छोटे मोटे बीमारी जैसे बुखार है, कह दस्त है, या किसी छोटे छोटे टाइप का जो शिकायत है लोगों का, उसका जो है यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाएगा। भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे फाइलेरिया प्रोग्राम के तहत 2 तरह की दवाइयों का वितरण स्टार्ट किया गया है, डाइथाइल कार्बामेजिन और एल्बेंडाजोल। इन दोनों की खुराक यहाँ के पब्लिक को मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत खिलाई जा रही है, और उसी में जो फाइलेरिया रोग है उससे बचाव के लिए, जिसको हाथी पांव बीमारी भी बोलते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन स्थल से आप सीएम योगी के संबोधन को सुन रहे थे। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। नालंदा में पुलिस ने चोरी के 3 मोटरसाइकिल के साथ 2 नाबालिग बालक और 1 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र से घर के बाहर लगी 1 मोटरसाइकिल को चोरी कर ली गई थी। ये सूचना गश्ती दल को मिली तो 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को देखा गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नालंदा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ के बैनर तले रहुई प्रखंड परिसर में हुआ। इस धरना प्रदर्शन में रहुई प्रखंड के सभी 404 सेविका और सहायिका ने शिरकत की। इस दौरान जिले की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने अपने विकास परियोजनाओं कार्यालय पर 7 सूची मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया।
कर रही हूँ। मेरे मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा में जैसे ग्रुप सी का जो हम लोग का सेवका पद पर लिया जाए और ग्रुप बी में सहायिका पद पर लिया जाए। और जब तक सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है उसके पहले 25,000 सेवका को और 18,000 सहायिका को दिया जाए और इसी सब के लिए हम लोग को और प्रधानमंत्री से योजना जीवन बीमा मांग रही हूँ कि हम लोग सरकारी पेंशन दिया जाए, रिटायरमेंट दिया जाए। नालंदा में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बिहार शरीफ रामचंद्रपुर इलाके में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निजी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन से पूर्णियां में होने वाली रैली के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बेमेल की सरकार है, ना तो इनके अंदर विचार का मिलाप है और ना ही कोई कार्यक्रम का मिलाप है। लगता है जी, क्योंकि जरा बताइए किस चीज की रैली करने जा रहे हैं, कहाँ इन लोगों का मिला है। बिहार की जनता ने 2020 में चुनाव हुआ तो वहाँ गठबंधन को थोड़ा दिया था उन्होंने बहुमत, जनादेश तो दिया था उन्होंने एनडीए को, और आज जो है एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन में लोग आ गए हैं और ये लोग बोल रहे हैं हम 7 पार्टी चला रहे हैं। आप रोज इनका बयान देखते हैं, किस प्रकार के बयान है जी, सामने कुछ पीछे कुछ। आप जरा महागठबंधन के खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उसे किसी कार्यकर्ता से किसी नेता से पूछ लीजिए आप जाकर के, आप मीडिया के लोग। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा के चौसंडा पंचायत में एक ऐसा स्कूल है जहां दबंगों की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि स्कूल में बच्चों के साथ मवेशी भी एक ही कैंपस में नजर आते हैं। प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर में बच्चों के साथ सरकारी स्कूल के एक ही परिसर में मवेशी भी नजर आते हैं। इस पंचायत के स्थानीय मुखिया मनोज यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर स्कूल की हालत काफी बदतर है। हालांकि इस बात की जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अचला अधिकारी को भी दी गई है। जनता का मनोभाव थोड़ा सा सही नहीं है, नेचर सही नहीं है तो बड़ी समस्या आता है। दरवाजा पर बैठा बरामदा पर रहते हैं हम लोग, पढ़ाने पर प्रॉब्लम, आवाज इतना होता है कि क्या कहा। आज सरमुख देखे जानवर का क्या हाल है, हम लोग जानवर हाँकने के लिए नहीं आए हैं, जो सरमुख देखे हम लोग आए हैं सर्विस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं आते हैं, कागजी मैटर बढ़ाते रहते हैं, किस तरह से समय निकालते हैं बच्चों को अध्ययन कराते हैं। जर स्थिति है और स्कूल नदी का किनार में है, नदी का बगल में है, नदी में पानी आने से भी बच्चा पर खतरा बढ़ा रहता है। और हमने बाउंड्री करने के लिए वहाँ बहुत प्रयास किए हैं लेकिन वहाँ बहुत सारा अतिक्रमण हुआ है, उसके लिए भी हमने सीओ साहब के एक लिखित आवेदन दिए हैं। यह है कि ग्रामीण दुचार को जनता जानवर मानते हैं, उसके साथ साथ जानवर भी होते हैं विद्यालय में ही, जानवर का जो मल मूत्र है वो भी विद्यालय में ही फेंकते हैं, जिसके कारण बच्चों को खेलने में गतिविधि कराने में बहुत कठिनाई।
सुपौल में राजेंद्र चौक के सड़क किनारे पक्की नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुछ लोगों के आरोप लगाने के बाद मीडिया संवाददाता राजेंद्र चौक सड़क पर बन रहे नाला निर्माण कार्यस्थल पर पहुंचे और वहां के ग्रामीण लोगों से कार्य को लेकर पूछताछ की। ग्रामीणों ने कहा कि जिस तरह से इस पंचायत में नाला निर्माण का कार्य सभी पंचायत में हो रहा है, बहुत ही खुशी होगी। एकदम बेहतरीन है। इसमें कुछ आरोप लगा है कि यहाँ पे जो अनियमितता काम बढ़ती जा रही है। आरोप बेबुनियाद है, आरोप बेबुनियाद है। ये काम आप लोगों की नजर में ढंग का हो रहा है? ढंग का हो रहा है। जिस तरीका से होना चाहिए, जिस तरीका से होना चाहिए उससे अच्छा हो रहा है। क्यों? जो उनका अपना घर का काम है, उसका गाड़ी आना जाना रहेगा, नाला कार पर रहेगा। काम कैसा हो रहा है आप लोग का नज़र के सामने में आप वीडियो कीजिए, देखिए क्या इंची, 7-6 इंची का एस्टीमेट है। और जो है देख लीजिए अपना कैमरा जो है वहाँ देख लगा करके देखिए। अच्छा, उसको हम देख लिए, आप लोग बताइए आप लोग की नज़र में कैसा है? जी, मेरे नज़र से बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। कुछ आरोप इस पे आया है कि यहाँ पे जो है 3 नंबर काम किया जा रहा है? नहीं, ये गलत आरोप है, गलत आरोप आरोप लगाया गया है। परमानंदपुर कौन सा चौक है? राजेंद्र चौक। ये जो काम हो रहा है किसके मार्फत ये काम हो रहा है? जिला परिषद। जिला परिषद, क्या नाम है उसका? शमशेर आलम। और ये काम जो हो रहा है किस प्रकार का काम है? आप लोग इस काम से कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है काम से। कौन किया जा रहा है? शमशेर आलम। कितना फीट लंबाई इसका कितना है? 365 फीट है। और ये सड़िया जो आप लगा रहे हैं वो कितना इंच लगा रहे हैं? 4 इंच। और बालू का कौन सा बालू का इस्तेमाल कर रहे हैं? लाल बालू का। गिट्टी जो है किस प्रकार का है? बहुत अच्छा। अच्छा, ये इसकी लंबाई 365 फीट है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 3 फीट चौड़ाई। बिहार की खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।